हम आपको बता रहे थे स्टूडेंट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं, पहला एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सेकंड होता है स्टूडेंट रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये क्या होते हैं दोनों को समझते हैं। देखो मैं आपके सामने कई सारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखता हूँ, ए एन जी, जी एन ए, जी एन डब्ल्यू, डब्ल्यू एन जी, ए एन डब्ल्यू, ओके, डी एन डब्ल्यू, डी फॉर डायमंड, ओके। यहाँ पर लाइट से स्टूडेंट पता चल रहा है आपको एयर से ग्लास में जा रही है, यहाँ पर ग्लास से एयर में जा रही है, यहाँ पर ग्लास से वाटर में जा रही है, यहाँ पर वाटर से ग्लास में जा रही है, यहाँ पर एयर से वाटर में जा रही है, यहाँ पर डायमंड से वाटर में जा रही है। तो स्टूडेंट सोचो, ध्यान रखना, एब्सोल्यूट में क्या है, इफ़ द लाइट मूविंग फ्रॉम वैक्यूम और एयर टू एनी अदर मीडियम, इफ द लाइट इज मूविंग फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू एनी मीडियम, ओके, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर लाइट रे एयर से, जैसे ये एयर से जा रही है, इसमें भी एयर से आ रही है, तो ये दोनों ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे हैं स्टूडेंट, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं। इफ द लाइट मूविंग फ्रॉम एयर और वैक्यूम टू एनी मीडियम देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव में क्या होगा, इफ द लाइट इज मूविंग एनी मीडियम अदर देन एयर टू एनी अदर मीडियम, अगर लाइट रे किसी भी मीडियम से, लेकिन वो क्या होना चाहिए, अदर देन एयर, एयर से नहीं हो, मतलब पहला मीडियम एयर नहीं होना चाहिए, पहला मीडियम कुछ भी हो। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहला मीडियम ग्लास है, यहाँ पर पहला मीडियम ग्लास है, यहाँ पर पहला मीडियम वाटर है, यहाँ पर पहला मीडियम डायमंड है। तो ये सारे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं ये कैसे हैं, दीज आर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दो तरह के होते हैं, एक रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और एक एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिलेटिव में अगर लाइट एयर को छोड़कर किसी भी मीडियम से किसी भी मीडियम में जा रही है देन इट इज़ रिलेटिव, और अगर एब्सोल्यूट की बात करेंगे तो लाइट रे एयर से, आई मीन वैक्यूम से किसी भी मीडियम में जानी चाहिए, तो हम उसको कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, बुक में आपको लिखा होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5, तो हम उसको कौन सा मानेंगे, रिलेटिव मानेंगे या एब्सोल्यूट मानेंगे, जब कोई भी मीडियम नहीं दिया जाए, सिर्फ ये बात बोली जाए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5, इट मींस कि ये ए एन जी है। अब इसको कौन सा मानोगे स्टूडेंट, एब्सोल्यूट ही मानोगे, मतलब लाइट एयर से वाटर में जा रही है, नॉट ए एन जी, ए एन डब्ल्यू, ओके। अगर स्पेशली बोला गया कि लाइट इज मूविंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर, तब उसको हम रिलेटिव मानेंगे। अगर कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ इतनी बात बोली जा रही है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.33, इसका मतलब क्या है, वो ए एन डी है, ओके, मींस इट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक और बात, अगर आपको ए एन जी गिविन हो और जी एन ए पता करना हो, ओके, तब कैसे करेंगे, मतलब हम आपको बताने जा रहे हैं रिलेशन, ओके, रिलेशन बिटवीन ए एन जी एंड जी एन ए। बंदर नाम के प्राणी आ गए हैं हमारी घर में, घर में नहीं आते, बाहर आते हैं, बहुत परेशान करते हैं, हम क्या करें, सरकार से दरख्वास्त करेंगे हम कि इन बंदरों को हमारे घर से थोड़ा दूर ले जाओ, आप लोगों के घर में छोड़ के आओ।
चलिए, एएनजी एंड जीएनए, एएनजी और जीएनए में क्या रिलेशन होता है? अगर एएनजी पता हो हमें, एएनजी का मतलब क्या है, स्टूडेंट की लाइट एयर से ग्लास में जा रही है पहली बात, एंड इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर। इसका मतलब क्या है कि लाइट ग्लास से एयर में जा रही है एंड इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। तो एएनजी का मतलब क्या है स्टूडेंट, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। हमने बता रखा है व्हाट इज VA, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। व्हाट इज VG, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, करेक्ट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ GNA, लाइट ग्लास से एयर में जा रही, देन आई विल राइट VG अपॉन VA। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दीजिए स्टूडेंट। क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई, ANG इंटू GNA इक्वल VA अपॉन VG इंटू VG अपॉन VA, ये कैंसिल आउट हो गए। देन आई कैन राइट ANG इंटू GNA इक्वल टू 1। ANG और GNA में क्या रिलेशन होता है, दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा, या फिर हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं ANG इक्वल होगा 1 अपॉन GNA, ये भी हम ऐसे राइट कर सकते हैं ना। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको बोला गया कि ANG 5 अपॉन 2 है, चलिए मान लिया हमने ANG 5 अपॉन 2 है, तो बताइए GNA कितना होगा। तो कुछ नहीं करना, बस इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, दिस विल बी द आंसर। बोला जाए कि ANG 1.5 है, तो बताओ GNA कितना होगा, तो 1 अपॉन 1.5 होगा। तो दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन ANG एंड GNA। अब एक और हम छोटी सी बात आप लोगों को बतानी है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होगी, आप लोगों को ये बात हमको बतानी है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा और बताइएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नहीं आएगा तो फिर आप हमको बताना कि सर हमको नहीं आ रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होनी चाहिए आप हमको बताइए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों का आंसर देंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होनी चाहिए। ओके, एक और बात हम बताते हैं, जैसे ANG है स्टूडेंट, क्या मतलब होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, यही मतलब होता है। देखिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, एयर का या ग्लास का, तो डेफिनेटली हमने बता रखा है इट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का है और ग्लास में ही स्पीड ये है, ये दोनों कैसे डिपेंड कर रहे हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, समझते हो ना, डिपेंडेंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो डेफिनेटली ये दोनों एक दूसरे के इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहे हैं, सामने सामने होते हैं तो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं, ऊपर नीचे होते हैं तो इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो ग्लास में स्पीड कैसी होगी, कम होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा तो स्पीड ज़्यादा होगी। मीत हम समझ सकते हैं कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में लाइट के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपके पास में 4 मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2, इसका है 2.5 और इसका है मान लीजिए 1.3। मैं आपसे पूछूं कि इन विच ऑफ द मीडिया लाइट ट्रैवल फास्टर, इन चारों मीडियम में से किस मीडियम में लाइट फास्टेस्ट चलेगी, तो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, इसका मतलब बी में लाइट सबसे फास्ट चलेगी। मैं पूछूं किस में लाइट सबसे ज़्यादा स्लो चलेगी, तो सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, सी का है, तो सी में लाइट सबसे ज़्यादा स्लो चलेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप ऐसे समझो कि भीड़ भाड़ वाला इलाका है,
ऐसे याद कर लो अपने माइंड में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, अगर लाइट ज़्यादा भीड़ वाले इलाके में जाएगी तो उसकी स्पीड ज़्यादा कम होगी, और कम भीड़ होगी तो स्पीड फास्ट रहेगी। दैट क्लियर ना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि दो या तीन मीडियम दे दिए और पूछा जाता है कि किस मीडियम में लाइट स्लो होगी, किस मीडियम में लाइट फास्ट होगी। एक और मतलब है, मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इक्वल टू एएनजी इनटू स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। व्हाट इज द मीनिंग, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होगा, व्हाट इज द मीनिंग, इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या होगा, दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5। तो यहाँ पर आप 1.5 लिख दीजिए, इस स्टेटमेंट को लैंग्वेज में लिख दीजिए, इट मीन्स दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट इन एयर इज 1.5 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। अब मैं पूछूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.5, क्या बोलेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 2.5 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। हम कोई और बोल दें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ केरोसिन इज 1.73, इसका मतलब क्या है, इट मीन्स दैट स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 1.73 टाइम स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, और सॉरी इन केरोसिन ऑयल। समझ गए होंगे, पहले आप एयर में बोलिएगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उतना टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो ये हुआ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में, स्टूडेंट बहुत सारी बातें बताई। नेक्स्ट वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर हम कुछ न्यूमेरिकल लेके आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।